जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे नार की जय, बोल साचे नार की जय। हेलो गाइस, चलते हैं ब्लॉग बनाने और मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस फाइनली मम्मी का आशीर्वाद लेके वैष्णो देवी के लिए मैं निकल गया हूँ। गाइस आप सोच रहे होंगे मैंने शर्ट चेंज कर ली, तो गाइस वो शर्ट मैंने अपने वैष्णो देवी के लिए रखी थी, तो वो मैंने गलती से पहन ली थी, इसलिए मैंने उसको दोबारा बैग में रख लिया है और मैं उसको नहा के वैष्णो देवी में पहनूंगा। और अब चलते हैं कश्मीरी गेट, जहाँ से मुझे बस पकड़नी है। तो गाइस मैं अब देखें, मैं कश्मीरी गेट आ चुका हूँ बस स्टैंड और मैं अब बस पकड़ने जा रहा हूँ वैष्णो देवी के लिए। गाइज ये बस है जो कटरा तक जाएगी और इसका मैं फेयर अभी आपको बताऊंगा कितने का है। और गाइज ये 850 रुपये मेरा फेयर लग रहा है, इसमें 100 रुपीज़ वाली टिकटें हैं काफ़ी सारी और आप ये देख सकते हैं, यह मेरे 850 रुपये का टिकट लगेगा। और थोड़ी देर में बस ये चलने वाली है। गाइज जैसे कि अभी आपने देखा मैं कटरा उतर चुका हूँ और ये रिसेप्शन टिकट है जहाँ से आप भवन के लिए टिकट ले सकते हैं, मिलती है यहाँ पे। और ये गाइस अंदर यहाँ पे टिकट के काउंटर है, यहाँ पे लाइन पे लग के अपनी फ़ोटो खिंचवा के टिकट लेनी होती है। तो गाइस ये फाइनली टिकट मिल गई है मेरे को और गाइस मैं अब टिकट लेके भवन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और ये यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे आपको चुनिया मिलेंगी पेड़ पे बंधी हुई, तो आप लोग ऐसे ना करें, यहाँ पे ऐसे बांधे ना, इससे हमारा ही नुकसान है। गाइस ये भवन का मेन गेट है। तो गाइस जकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया जोता वालिए। गाइज यहाँ से मेन गेट से आप एंट्री करेंगे और आगे यहाँ पे चेक पोस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको सामान चेक करा के फिर एंट्री करनी होगी। ओ शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए। गाइज ये लंगर हॉल है जहाँ से गुलशन कुमार का भंडारा है, जो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो अपनी जीवन के इस काल में मैं 10वीं बार मैं वैष्णो देवी आया हूँ। गाइज ये लंगर के लिए बैठ गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग लंगर से बैठे हैं और अपनी थाली पूरी संपूर्ण ख़त्म करनी पड़ती है, बिल्कुल छोड़ के ना जाएं प्रसाद को। और गाइज ये है बाढ़ गंगा, गाइज बहुत ही बेहतरीन देख सकते हैं, आपको मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ बाढ़ गंगा का ऊपर से। हाँ बहुत भीड़ है, नवरात्रों का टाइम है तो काफ़ी भीड़ भी है वैष्णो देवी में। तो ये बाढ़ गंगा है और ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश यहाँ भी हो रही है। ओ शेरावालिए, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। स्टार्ट कर दिए और गाइज मैंने नया वाला जो रास्ता है मैंने वहाँ से भवन के लिए चढ़ाई स्टार्ट करी है। गाइज ये रास्ते को बने हुए कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली यहाँ पे इस रास्ते के लिए लोगों ने बहुत सारा भ्रम फैला रखा है कि ये रास्ता ऐसा है वैसा है। गाइज ये थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर लंबा पड़ता है, मगर यहाँ पे कोई भी घोड़े की खच्चर की से चोट लगने का कोई डर नहीं होता और बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है। और सबसे अच्छी बात ये कि देखिए आप नदी के साथ साथ चलता है, ये आप देख रहे होंगे मेरे साथ, ये रिवर के साथ साथ चलता है। और गाइस हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और ऊपर भवन की तरफ तेज़ बारिश है। तो बने रहना इस वीडियो में आखिरी तक और मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊँगा वैष्णो देवी की। और ये मैं 2022 में आया हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कितना मस्त है, मतलब रिवर के साथ साथ ही चलना होता है। चलो गाइज आगे मैं दिखाता हूँ फिर आपको। जय माता दी, जय माता। गाइज 1.5 घंटा हो गया मुझे चलते हुए, 1.5 घंटे से मैं चल रहा हूँ और 1.5 घंटे से मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ। अभी अर्थ कुमारी पहुँचने में मुझे लगेंगे 1 घंटा करीब और लगेगा। गाइस ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं।
गाइस ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं, देख सकते हैं पीछे आराम से। गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ों में कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बादलों में बादल ऐसे लगे पड़े हैं, बिल्कुल भवन पे ऐसे टकरा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाइस, मतलब मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस सामने आप देखो कितने मस्त बादल लगे पड़े हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुहावना और हल्की हल्की बारिश हो रही है मस्त। गाइस यहाँ बंदर बहुत हैं तो बंदरों से अपना सामान बचा के रखें। और गाइस ये किसी की लस्सी छीन के भागे हैं और ये देखिए यहाँ पे लस्सी रखी है, अभी लस्सी आराम से पिएंगे। ये देखिए गाइस बंदर महाराज हनुमान जी देखिए कैसे पी रहे हैं। गाइस देखो सेल्फी पॉइंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप आएंगे नए रास्ते पर, यहाँ पे आपको कहीं सेल्फी पॉइंट मिलेंगे। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ गाइस में, और गाइस सामने यहाँ पे एकदम से लंगर हॉल भी मिलेगा आपको नए वाले रास्ते में सेल्फी पॉइंट के सामने ही। ये देखिए सामने बिल्कुल लंगर हॉल है, यहाँ पे आपको लंगर हॉल भी मिलेगा। और बादल कितने मस्त हो रहे हैं गाइस, थोड़ी देर लेट गया हूँ मैं, थक गया हूँ काफ़ी, थोड़ा आराम कर रहा हूँ तो गाइस मैं थोड़ा थक गया था, अब थोड़ी देर लेट गया हूँ, कमर सीधी कर रहा हूँ, बहुत देर से चल रहा हूँ पैदल तो गाइस आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। और गाइस जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस मैं अर्थ कुमारी पहुँच गया हूँ, अर्थ कुमारी में कितनी भारी भीड़ है, मतलब नवरात्रों की वजह से इतनी भारी भयंकर यहाँ पे भीड़ हो रखी है, सारे कमरे फुल हैं ऊपर आप देख सकते हैं। गाइस ये रास्ता भवन की तरफ जा रहा है, मगर हम दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे सामने से। और गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, ओहो गाइस देखिए भवन की तरफ बढ़ते हुए और फॉग इतना ज़बरदस्त हो रहा है। गाइस ये बादल हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, बादल बिल्कुल हमसे टकरा रहे हैं, बिल्कुल बादलों के साथ। और गाइस ये बंदरों से जरा बच के रहें, यहाँ पे सामान कब फोन छीन ले कुछ नहीं पता। गाइस देख सकते हैं कितना जबरदस्त मौसम हो रहा है। फॉग ही फॉग है चारों तरफ, इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है, पूरा मतलब बादलों के अंदर है अपन लोग। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं भवन पे, तो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ का नज़ारा देखिए इतना भव्य नज़ारा, इतना जबरदस्त। तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया जोतावालिये, ओ जोतावालिये, ओ मेहरावालिये, ओ लाटावालिये। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस पहुंच गया मैं फाइनली, और गाइस ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो ट्रॉली जा रही है ये जाती है सीधा भैरव बाबा, इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन पे लग के आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और गाइस मुझे लगता है मेरे को तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि हार्डली 2 किलोमीटर रास्ता है, तो मुझे लगता है इतनी दूर यहाँ पे आए हैं तो आना चाहिए। और गाइस मैंने प्रसाद ले लिया है वैष्णो देवी के लिए। और गाइस ये देखिए हमारा इतना सुंदर भवन माता रानी का। गाइस बार बार मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आगे वालो जय माता दी, पीछे वालो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। और गाइस ये देखिए गाइस नाइट व्यू, वैष्णो देवी का नाइट व्यू गाइस ये आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य है। और गाइस मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि और जय माता दी।